हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल यानी कि गुम है किसी के प्यार में की अपकमिंग स्टोरी के अपडेट के बारे में। आने वाली स्टोरी में आप लोगों को देखने मिलने वाला है भवानी काकू ने सभी के लड़कों के तस्वीर दिखा रही है अश्विनी और नीनाद को, और उसी वक्त सभी आती है जिसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके लिए लड़के देखे जा रहे हैं। अभी भवानी सभी के पास आकर कहती है ये लड़का मुझे और बाकी सभी को पसंद है और लड़के वाले कल आ रहे हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि कल तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाती है। वहीं सभी सोच रही है कि कल उसका डिबेट कंपटीशन है जो कि वो मिस नहीं कर सकती, वरना उसे भोसले इंस्टीट्यूट में जाने का मौका खो देगी वो। क्या करेगी सभी, अब उसके सपने या फिर उसके अपने। वहीं रेवा अपने पापा से कहती है कि उसे इंस्टीट्यूट पसंद आया है और वो वहीं पढ़ना चाहती है। रेवा के पापा बिल्कुल भी अनजान है इस चीज से कि रेवा वहां इंस्टीट्यूट के लिए नहीं ईशान के लिए जाना चाहती है। अब वहीं सवाल ये उठते हैं दोस्तों कि शांता भाई क्या सभी के लिए ईशान का रिश्ता लाने वाली है, और इफ शक्ति अरोरा ईशान का रोल प्ले कर रहे हैं तो वीनू कहाँ है, वीनू का रोल कौन प्ले करने वाला है। वहीं साथ ही हम अपने व्यूअर्स से माफी मांगना चाहेंगे जहाँ हमने व्यूअर्स को पहले अपने इन्फॉर्मेशन से ये बताया था कि शक्ति अरोरा वीनू का किरदार प्ले करने वाले हैं, जबकि हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। ईशान तो एक अलग ही कैरेक्टर है और वीनू का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और अगर बात करें स्टोरी की तो शो में आया जो लीप था उसके पिछले का स्टोरी भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही होने वाला है, यानी कि सभी जो कि अपने सपनों के लिए लड़ेगी, यानी कि जैसे कि उसकी मम्मी सही लड़ती थी, और वहीं ईशान रेवा को पसंद करता है जैसे कि विराट और पाखी। देखते हैं फैंस को क्या ये ट्रैक पसंद आएगा या फिर नहीं। ऐसी और भी अपकमिंग स्टोरी सबसे पहले जानने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी नई लेटेस्ट अपकमिंग स्टोरी के साथ। याद देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे।